की नशिस्त में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कश्मीर के मुसलमान जिन पर ज़िंदगी तंग कर दी गई है, जिनका रहना सहना तंग कर दिया गया है और जिनका सांस लेना मुश्किल बना दिया गया है, इंडिया के वज़ीर आज़म, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, जिसको लोग तो मोदी सरकार कहते हैं, सरकार तो इज़्ज़त का लफ्ज़ है, इसकी जगह बदकिरदार होना चाहिए कि जिसको इंसान तो इंसान, इंसानों की ज़िंदगी तक का हया नहीं है, और उस वज़ीर आज़म को मैं अपनी इस नाकस राय के नतीजे में ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आपने एक साल से ऊपर गुज़र गया कश्मीरियों पर, उनकी ज़मीन उन पर तंग कर दी है, उनका जीना हराम कर दिया है, कितने कश्मीरियों की शहादतें हो चुकी हैं, कितने कैदो बंद की सौगतें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उनका अगरचे दुनिया में कोई पुरसान हाल नहीं, लेकिन अल्लाह की ज़ात तो देख रही है। इन नफ़ी ज़ालिका लइबरत लि उलिल अलबाब, अकल वालों के लिए अल्लाह ताला का पैगाम है कि वो समझें और गैरत को मद्देनज़र रखें। तो कश्मीरियों पर जो आज ज़ुल्म व सितम ढाया जा रहा है और एक साल से ज़्यादा गुज़र चुका है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन मोदी साहब आपको भी सुकून नहीं आ रहा होगा। आज आपके मुल्क के जो हालात हैं और किसानों ने जो आपकी हुकूमत को तंग कर दिया है और जो उन्होंने आपको मुल्क को बंद किया हुआ है और आप पर अरसा हयात तंग कर दिया है, ये आपकी पॉलिसियों की वजह से नहीं है, ये कश्मीर पर ज़ुल्म व सितम करने के नतीजे में अल्लाह की तरफ से ये सज़ा है आपको। और इंशाल्लाह ऐसे हालात बनेंगे, ये चंद दिन की कुर्सी फिरौन और नमरूद बनकर जो आप बैठे हैं, हलाकू और चंगेज़ बनकर जो आप बैठे हैं, जो मुसलमानों को एक गाय ज़िबा करने पर, हलाल जानवर ज़िबा करने पर उसको मौत के मुंह में फेंक दिया जाता है और उसको मौत की दावत दे दी जाती है, याद रखो अकबर बादशाह ने भी